हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आपका यूपी टेट 2021 के लिए पेपर टू के लिए साइंस का वीडियो है, जिसमें हम साइंस के 2000 एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं। ये आपका डे टू होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पर आधारित सारे प्रश्नों को लिया गया है। इसमें तीनों साइंस आपकी कंप्लीट की गई हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो 20 क्वेश्चन की एक सीरीज है आज की। आप सारे क्वेश्चन खुद से देखिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल से पहले पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से 20 क्वेश्चन के आंसर करिए, उसके बाद वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं। जैसे कोई कागज़ आप ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और उस पर क्या करिए, प्रकाश डालिए, तो आप देखते हो कि प्रकाश आर पार हो जाता है। तो ऐसी जो सामग्रियां होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, मतलब पारदर्शक सामग्रियां बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश की कई सारे गुण होते हैं, परावर्तन, प्रकीर्णन, प्रक्षेपण, अपवर्तन। तो एक टिंडल प्रभाव की घटना होती होगी, कोलाइडी विलयन में आपने देखा होगा, कमरे में प्रकाश होता है तो वो कोलाइडी विलयन में छोटे छोटे कण प्रकीर्णित होते रहते हैं। तो वो जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। देखिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, वो किसी भी माध्यम में चल सकता है, किसी भी माध्यम में चल सकता है। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और निर्वात में ही प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, जो 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। देखिए, आपका सबसे कम विचलन कोण उसी का होगा जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। तो बैंगनी रंग जो होता है उसका विचलन कोण क्या होता है, बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और सबसे कम जो विचलन कोण होता है वो लाल रंग का होता है। तो इसमें पूछा गया है कि किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, तो सबसे कम लाल रंग का विचलन कोण होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। देखिए, जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों की बात होती है, तो एक घटना होती है जिसको आप पोलराइजेशन बोलते हो, ध्रुवीकरण बोलते हो। ध्रुवीकरण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है और यह जो होती है प्रकाश में होती है। तो इससे ही पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब अंतर पता चलता है। तो ये राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, ध्रुवीकरण। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सूरज की रोशन मतलब रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो ये प्रिज्म होता है वो क्या करता है, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में विभाजित कर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य, तो ऐसी वस्तुओं को ल्यूमिनस थिंग्स बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि किसी पिंड का यहाँ पे वेग कर लीजिए, कि किसी पिंड का वेग आधा कर देने पर, यहाँ पे संदेश की जगह संवेग कर दीजिए, कि संवेग हो जाएगा। तो देखिए, आपको पता है कि P बराबर होता है m × v। अगर m यहाँ से क्या करें, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, तो अगर v को हम 1 रखते हैं तो P भी हमारा 1 आएगा। v को अगर 1/2 रखते हैं तो P भी हमारा 1/2 आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आप आधा करते हो तो उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे बिल की जगह वेग, संदेश की जगह संवेग कर लीजिएगा, टाइपिंग में गलती हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विराम से चलकर एक ट्रेन 2 m/s² के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है।
इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे आपको गति के समीकरण पता होने चाहिए। आपने देखा कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी s पूछा है और आपको प्रारंभिक वेग उसने 0 कहा है क्योंकि भाई विराम से चल रही है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। यही लगाओगे, ut पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग u ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पे 1/2 होगा और यहाँ पे क्या होता है a हाफ at स्क्वायर होता है, सॉरी। तो a की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 m/s² त्वरण है तो 2। अच्छा यहाँ पे t आपको 1 मिनट दिया गया है लेकिन समय सेकंड में होना चाहिए, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600 हो जाएगा। तो 2 2 कट जाएगा तो केवल 3600 आएगा और दूरी मीटर में आनी चाहिए, तो 3600 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है कि किसी पिंड का वेग जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका वेग मीटर पर सेकंड में बताइए। तो देखिए अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो 18 × 18 = 36, 38 = 54 और 5 × 15 तो ये 15 m/s इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको थर्ड में दे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। देखिए आपके अग्नाशय पैनक्रियास के द्वारा अग्नाशय जूस जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस स्रावित होता है, उसमें कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको देखिए क्या क्या दिए गए हैं, माल्टेज लैक्टेज ट्रिप्सिन सुक्रोज, तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ट्रिप्सिन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो जिगर, लीवर, यकृत होती है, ऑप्शन नंबर 2, तो इसमें सबसे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में पित्त का स्राव होता है। देखिए ये जो बाइल जूस पित्त होता है, उसका जो स्राव होता है उसका स्राव भी यकृत से होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। देखिए मैंने आपको जब बायो में वो बताया था, ई दृष्टि वाली बुक से बायो कराई थी, 1-2 चैप्टर कराए हैं, मतलब 1-2 वीडियोज़ कराए हैं, उसमें मैंने बताया था कि जो शाकाहारी पशु होते हैं उनकी आंत जो होती है वो मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। तो इसमें जो शाकाहारी पशु आपको दिख रहा है वो खरगोश दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH कम हो जाता है। तो दांतों में सड़न तब शुरू हो जाती है जब मुंह का जो pH मान होता है वो 5.5 से कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया कि भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो ठोस का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन या फिर द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। देखिए अगर गुण बदल जाए, एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में चेंज होता है और उसमें गुण बदल जाए तो कन्फर्म है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें जो पदार्थों का किण्वन दिया गया, जैसे कोई गन्ना है उसे सिरका बनाना, तो उसके गुण दोनों के आपस में बदल गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो आपके भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर फिर 37 वैसा ही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जैसे अभी आपने कहा कि पदार्थों का किण्वन, जैसे उसका गुण चेंज हो जाते हैं, तो मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ का बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण। तो देखिए जब मक्खन खट्टा होगा तो कन्फर्म है कि उसमें परिवर्तन, कोई पदार्थ परिवर्तन से बनता है नया पदार्थ,
तो वो क्या होगा कि जो खट्टा मक्खन होगा उसमें वो गुड़ नहीं होंगे जो आपके उस वाले मक्खन में होंगे, कुछ तो बदलाव आ ही जाएगा। तो ये क्या होगा, एक आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 38 पे बढ़ते हैं कि लोहे में जंग लगना इनमें से का सामान्य उदाहरण है। देखिए, लोहे का जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 39 पे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो उसे बोलते हैं डीपोजिशन। डीपोजिशन की क्रिया में, प्रक्रिया में जो गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसको याद रखें, ऑप्शन नंबर टू। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध का दही में परिवर्तित होना, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुल जाना। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही में परिवर्तित होना। वो सेम टू सेम वही चीज़ है कि पदार्थों का किण्वन जैसे होना, जैसे गन्ने से सिरके का बनना, दूध से दही का परिवर्तित होना, ये सारे के सारे आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। तो ये रहे आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, और आपके दो वीडियो में 40 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो ये रहे दोस्तों आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से हम अपने चैनल पर साइंस से रिलेटेड 2000 MCQ करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस पर सुधार कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।